सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवांकर, आप देख रहे हैं शिवा हिंदी टेक। और मैंने मंगाया है रेडमी नोट 5 प्रो और क्या कुछ आपको इस बॉक्स के अंदर मिल जाता है, आज मैं करने वाला हूँ इसकी अनबॉक्सिंग और दिखाऊंगा बॉक्स के सारे अंदर के कंटेंट। और मैंने ये मंगाया है 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। और जो कलर की बात करूँ तो कलर है ये गोल्ड। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आता है जरूर देखेगा। सो बिना समय को गवाए हुए चले शुरू करते हैं। तो मैं सबसे पहले बात करूँ तो अभी बॉक्स को खोल देते हैं और जो भी इसके सारे कंटेंट मिलते हैं उनको रख देते हैं बाहर। और मैं दिखाता हूँ आपको क्या कुछ आपको इसमें खास देखने को मिलने वाला है। तो यार ये सारे निकाल दिए, सेमीजर का टूल है, इसको करते हैं किनारे और उसके बाद यहाँ पर से रिमूव करते हैं चार्जर को हटाते हैं। उसके बाद ये मिलता है आपको यूज़र मैनुअल, उसे भेज सकते किनारे। फिर आपको मिल जाता है एक ट्रांसपेरेंट मोबाइल केस, उसको भी कर देते किनारे, काफ़ी ठीक ठाक मिल जाता है। फिर मिलता है आपको ये चार्जर, तो चार्जर है ये फास्ट चार्जिंग में सपोर्ट नहीं करता है जबकि फ़ोन फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। माइक्रो यूएसबी दिए गए हैं जो कि सी टाइप होना चाहिए था एटलीस्ट। तो कर देते हैं फ़ोन को ऑन। जब तक फ़ोन होता है ऑन तब तक मैं आपको दिखा देता हूँ फ़ोन का ओवरव्यू कि आपको फ़ोन में क्या कुछ किस तरीके से देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फ़ोन के ओवरव्यू की। तो आपको डिस्प्ले की बात कर लेता हूँ तो डिस्प्ले में आपको 5.99 इंच की आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। और अगर मैं एक्सपेक्टेड रेशियो की बात करूँ आपको एक्सपेक्टेड रेशियो मिल जाता है 18:9 आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट इसकी बात करूँ तो यार जो फ़ोन है इसमें मिलता है आपको MIUI 9 जो कि आपको मिल जाता है एंड्रॉयड नोगेट पेज। तो यार मतलब ओरियो के टाइम पे एंड्रॉयड पी भी आ चुका है तो एटलीस्ट इसमें होना चाहिए था ओरियो। जब ओरियो नहीं है तो चलो यार अब नोगेट से आपको काम चलाना पड़ेगा। नेक्स्ट इसकी बात करूँ यार मेरे को एक छोटा सा ड्रॉबैक लगा है इसमें। अगर आप इस फ़ोन को यूज़ करते हैं लाइट में यानी कि डे लाइट में, काफ़ी तेज रोशनी में आप इस फ़ोन को यूज़ करते हैं, बाहर यूज़ करते हैं, आउटडोर के लिए यूज़ करते हैं, तो यार जो इसकी लाइट है उसको करना पड़ेगा आपको 100% यानी कि उसकी जो ब्राइटनेस है उसको करना पड़ेगा 100% तभी जाकर आप प्रॉपरली इन चीज़ों को आप देख पाएंगे जो भी इसका आइकन है। तो बात कर लेते हैं जो इसका फिजिकल ओवरव्यू है वो किस तरीके से और क्या क्या कुछ आपको देखने को मिलने वाला है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बॉटम से। तो बॉटम में आपको मिल जाता है एक 3.5 mm का जैक, उसके बाद मिल जाता है आपको माइक्रो यूएसबी पोर्ट और मिल जाता है आपको स्पीकर। नेक्स्ट चीज़ की बात करता हूँ तो आपको राइट साइड में मिलता है वॉल्यूम अप डाउन का बटन, शट डाउन, और ऊपर मिल जाता है आपको सेंसर और माइक आपको देखने को मिल जाता है। राइट साइड की बात करो, लेफ्ट साइड की बात करो तो हाइब्रिड सिम स्लॉट आपको मिल जाता है। फ्रंट की बात करो तो फ्रंट कैमरा, स्पीकर प्लस सेंसर आपको देखने को मिल जाता है। प्राइमरी की बात करो तो प्राइमरी में आपको मिलता है ड्यूल कैमरा विद फ्लैश और फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको देखने को मिल जाता है। तो ये तो हो गया फ़ोन का ओवरव्यू, फिजिकल ओवरव्यू। तो अब चलिए बात कर लेते हैं, फ़ोन हो चुका है मेरा ऑलमोस्ट सारा सेटअप और बात कर लेते हैं अब इसमें क्या कुछ आपको अंदर देखने को मिलने वाला। तो सबसे पहले चलते हैं अबाउट में। अबाउट में देखता हूँ तो इसमें आपको मिल जाता है 4GB का इंटरनल स्टोरेज और मिल जाता है 64GB का रोम, यानी कि 4GB की रैम और 64GB का रोम आपको देखने को मिल जाता है यानी कि इंटरनल स्टोरेज। तो यार अब मैं आपको दिखाता हूँ बैक करके कि आपको एग्जैक्ट कितना स्टोरेज फ्री मिलता है। तो मैं आपको खोल कर दिखाता हूँ, तो मैं सिलेक्ट करता हूँ तो अब आप ये देख सकते हैं आपको 52.92 GB आपको अवेलेबल मिल जाता है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ की बात करते हैं तो यार बेसिकली इस फ़ोन में फोकस किया गया है कैमरे के ऊपर कि कैमरे और जो किया गया है इसके डिस्प्ले के ऊपर, और काफ़ी हद तक इम्प्रूव किया गया है। कैमरे को मैंने खुद यूज़ करा, मुझे काफ़ी इम्प्रूव लगा और मैं इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूँ, दिखाऊंगा आपको इसके कैमरे के फंक्शन और इमेजेस खींची हुई किस तरीके से क्या कुछ आपको इस फ़ोन में देखने को मिलने वाला है। तो यार यही है ये फ़ोन Redmi Note 5 Pro, मैंने आपको इसकी डिटेल्स बता दी। और अगर आपको करना है इसमें फेस आईडी को यूज़ किस तरीके से कर सकते हैं उसको जाना होगा आपको अपने अबाउट सेक्शन में। अबाउट सेक्शन आपको ये देखिए आप मिल जाता है सॉफ्टवेयर अपडेट, तो आप जैसे उसे कर देते हैं अपडेट तो आपको मिल जाएगा फेस अनलॉक का फंक्शन भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो यार यही सब कुछ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो आई होगी पसंद। अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियोज़ लाता रहता हूँ। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।